फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज मॉर्निंग 10 बजे है, 10 बज गया। सुबह नल हल चले तो काम में ही लेट हो गई हूँ, घर की पूजा कर ली। आज मंदिर जा रही हूँ मैं 10-15 दिन बाद, क्योंकि वो सूतक की वजह से जा ही नहीं पाई थी। तो अब भोलेनाथ जी को जल चढ़ा के आ जाती हूँ। जल चढ़ा के आ गई मंदिर से और अब आ गई हूँ किचन में। अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। आज क्या मैंने मेथी की सब्जी और रोटी बनाई थी। मेथी की सब्जी तो मेरी बड़ी फेवरेट है, बच्चे भी पसंद करते हैं, थोड़ा मिस्टर जी कम पसंद करते हैं, खा लेते हैं वो भी। अब खा लेती हूँ फटाफट मेथी की सब्जी। देखते ही मुझे भूख लगने स्टार्ट हो जाता। सुबह बच्चों के लिए बनाए तब से मुझे भूख लग रही थी। अब 10:30 हो गया टाइम। नाश्ता हो गया है फिनिश। इतने कपड़े धुले रखे हैं कल के, इनको टाइम ही नहीं मिला घड़ी करने का। अभी घड़ी लगा लूँगी। और मिस्टर जी की भी आज छुट्टी है, केला दे देती हूँ उनको भी खाने के लिए। वो तो खुद ही खाने के लिए बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मैच चल रहा है, और मैं भी खा लेती हूँ। खाना बनाने का टाइम हो गया। मैं आ गई हूँ किचन में। कल मैं सामान ले आई थी और ये सामान डिब्बे में जमा देती हूँ। आजकल तो इतने छोटे दिन हो गए, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कब क्या करना है। नाश्ता करने के बाद तुरंत दिन का खाने का टाइम हो जाता है। गर्मी में यही दिन बहुत बड़े लगते हैं। ये कैंटीन से लेके आ गई थी सामान्य पापड़, बच्चों को काफ़ी पसंद है। और ये कतरन लेके आई थी। अंशु अपने हाथ से सेक लेता बड़े वाले पापड़, कतरन में उसको थोड़ा दिक्कत आती है। और ये भी ले आई हूँ गुलाब जामुन के पैकेट। ये सामान को पहले रखती हूँ, फिर बनाऊँगी खाना। खाना बना के इधर बैठ गई। खुशा भी आ गई है, मूंगफली खाने में रखी है। मैंने मूंगफली ले ली इस बार खड़ी वाली, अच्छी। दिखाती हूँ आपको, इनको डिब्बे में भी भरना। मुझे खुशा एक डिब्बा लिया ना तो ऊपर रखा है धो के। एक कट्टे में ले लिए मैंने मूंगफली, सर्दी में सेक के भी खाएंगे और ये वाले डिब्बे में भर के रख देंगे। खुशा लगी अपने खाने में। खड़ा मसाला सुखाने के लिए डाला था, ये भी पीसना है मुझे। खुशा खाना खा के मोबाइल देखने लग गई है। आज कोचिंग की छुट्टी है और अंशु अष्टा क्लास ले रहे हैं, वो अभी आए नहीं है। और मिस्टर जी का तो आज दिन भर मैच ही चलता रहा। मैं जाती हूँ छत पे, कपड़े भी ले आती हूँ और थोड़े बहुत चने फुला के डाल दिए थे मैंने आज दाल के लिए। दीपावली आ रही है और बेसन के लिए मुझे चने की दाल चाहिए, तो दाल तो है नहीं, ख़त्म होने आ गई। थोड़ी बहुत थी, आधा किलो इतनी, उतने का क्या बेसन पिसाऊँ। इसलिए मैंने कहा धूप भी आजकल थोड़ा कम आने लग गई 2 दिन से। देख के आती हूँ मैं, सूख गए। सुबह डाल के आ गई थी और अभी एक बार तो मैं हाथ घुमा के आ गई थी उसमें। कबूतर खा रहे हैं चने। मौसम कुछ ऐसा हो रखा है आज का, धूप भी है, लाइट लाइट ही है धूप। ये है चने, 5-6 किलो ही मैंने फुला दिए थे नाइट में, अभी थोड़ा बहुत सूख भी गए। कल के दिन और लगेगा इनमें, तब जाके दाल अच्छी हो जाएगी। अभी तो सूखे नहीं, गीले हैं बहुत। कपड़े उठा लिए मैंने और चने को तो मैं देख के ही आ गई, कबूतर खा रहे, बस उनको भगा दिया। आजकल मौसम की बात करें तो मौसम ऐसे ही हो रखा है यहाँ पे। अभी तो गर्मी चल रही है, हम लोग फैन ऑन करके ही रहते हैं। गांव में तो बोले इतनी ठंडी है, घर से फ़ोन करते हैं तो बोले कब तुम्हारे यहाँ ठंडी स्टार्ट होगी। मैंने कहा अभी तो ठंडी होने में टाइम लगेगा स्टार्ट। नवंबर आ गया, अभी भी ठंडी है, गर्मी हो रही है, फैन ऑन ही रहते हैं अभी भी। इस बार तो लेट ही आ रही है ठंडी, पता नहीं कितने लेट आएगी। अब जाके मैच ख़त्म हो गया, देखा मिस्टर जी चले गए पीछे रो। खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर होएगा आगे का काम। खाने की इतनी टेंशन रहती है शाम के, अभी खाना खाया अब शाम के खाने की टेंशन हो गई। खुशा बोल रही है काजू पनीर बनाना है तो काजू भिगोने लग गई है अंशु। काजू हाँ इतने भिगो दे, थोड़ा सा और डाल दे। हाँ अंशु आ गया, गेट खोल के आ जा। अंशु आ गया है, हो गए एक्स्ट्रा क्लास ख़त्म। हाँ। कोचिंग जाना है आज? हाँ यार। कोचिंग की छुट्टी है आज, सर रतलाम जा रहे हैं। क्या देख रहे हो,
खाना खा लिया, डैडी ने भी बना रखा तुम्हारे लिए स्पेशल खाना। होंठ देख तो इसके होंठ इतने। सही बताओ छुट्टी है कि नहीं? छुट्टी है आज। देव तो गया अभी। छुट्टी है, उसने मैसेज नहीं देखा होगा। हाँ, वो पिछले बार भी चले गए थे। कौन ठहरा देव? एक लंबा सा। इसमें सब्जी भी है, कल रात वाली खा रहे। क्या सिखा रहे सर अष्ट क्लास में? वो जैसे हमको पहले हमको हर रोज तीन चार क्वेश्चन दे रहे हैं याद करने के लिए, और तब तक सुनाओ नहीं तब तक खेलने नहीं देंगे यहाँ से। डेढ़ बजे से सुना दिया, पौने तीन बजे तक। हाँ पौने तीन से, और अगर हो जाए तो फिर अपना होमवर्क कर लो। हम तो तुरंत सुना देते जो हमको आते, ज्यादातर मैम वही देते हैं, लिखते समय याद हो जाते हैं। तो आज तो हमने तीन होमवर्क कर लो, वो बहुत होमवर्क था, सिर्फ दो ही होमवर्क करना है हमको। मैम का मैंने साथ में कर लिया। हाथ पैर धुलो और होंठों पे लगा लो बोरो प्लस। सर्दी यहाँ स्टार्ट हुई नहीं, इसके होंठों में इतनी हो गई, बिल्कुल ऐसे चाटता है, थूक लगा लगा के जीबान पूरी होंठों पे घुमाएगा तो उससे इसके पूरे खराब हो गए होंठ। खाना खा लो तुम, हाथ पैर धुल। थोड़ी देर रेस्ट करा तो पार्लर में कस्टमर आ गए थे, उनका काम कर लिया मैंने। वो फिर से छत पे जाती हूँ, वो चने जो सूख गए होंगे तो उनको नीचे ले आऊँगी, नहीं सूखे होंगे तो ऊपर ही रख दूंगी ढक के। सूखे तो क्या ही होंगे आज, क्योंकि धूप बहुत लाइट लाइट ही है ना, कड़क धूप नहीं है एकदम से। तो अब देख लेती हूँ जाके ऊपर, 5 बज गया तो धूप भी जाने वाली है। आए थे तो भी कबूतर थे अभी भी, और इनको कर लेते इकट्ठा। और छत व झाड़ने के लिए यहाँ पे है ना इस टाइप की झाड़ू मिलती, खजूर की झाड़ू बोलते इसको। अंदर के लिए फुल झाड़ू लेती हूँ और छत के लिए ये वाली ले लेती हूँ। चने तो उठा के रख दिए हैं मैंने इसमें, अभी सूखे नहीं है, कल और धूप में डालूंगी इनको, उसके बाद फिर दाल करेंगे। यहीं रख देती हूँ, नीचे क्या ही ले जाएं, कल दाल करके नीचे ले जाएंगे। फिर से किचन में आ गई हूँ, नाइट के खाने की तैयारी कर ली। आज दीदी और आ रहे हैं खाने पर, तो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। एक सब्जी तो बना ली, अभी दूसरी सब्जी बनानी, इसको बस मसाला बन ही रहा है। खीर बना के रख दी, और इसमें काजू की सब्जी बननी पड़ी है। काजू ये सब्जी तो रेडी हो गई है। फिर पेस्ट बना दिया मैंने लहसुन प्याज का। एक सब्जी और बनाऊंगी, इसके लिए मैंने पेस्ट रेडी कर दिया, अदरक हरी मिर्ची लहसुन प्याज का। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने खाना बना के रेडी कर लिया है, सैलेड भी काट के रख दिया है। बस वो आने वाले भैया ड्यूटी गए होंगे ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गए हैं, 8:30 हो गया है टाइम। इसमें एक और सब्जी बन गई है, पापड़ भी तल दिया मैंने, इसमें थोड़ा सा चावल बना रही हूँ, और सैलेड काट के भी रख दिया। बस मेहमानों का इंतज़ार है अब। दीदी लोग आ गए हैं और बच्चों ने खाना भी स्टार्ट कर लिया है। देखो नटखट बैठा है वहाँ पे। बाबू क्या खा रहा है? पापड़। वेदिका को भी शर्म आ रही है, खुशा यहाँ बैठ गई। भैया लोग आगे बैठे हैं। हाँ खाना वाना खा के हम लोगों ने बातें कर ली, भैया ही आगे बातें कर रहे हैं, अब वो जाने लग गए हैं। मेहमानों को छोड़ के आ गए हैं मिस्टर जी, और ये तो यहीं बैठ के खाना भी यहीं खाया। और अब बर्तन बहुत सारे पड़े हैं, बर्तन हो गए हैं ढेर, उनको धुल लेती हूँ मैं। और अंशु ने तो आज इतना फ़ोन देखा, वो दीदी का बेटा भी अच्छा नटखट है, इतनी मस्ती करता है वो, तो भयंकर मस्ती करता है। तो ये लोगों ने खूब फ़ोन चलाया, और हमने खाना खा के बहुत देर तक बैठे थे, बातें बातें करें। कभी कभी आना जाना होता, कभी चले जाते हैं हम, कभी आते हैं। और होने को तो पास में ही है, पर जाना आना नहीं हो पाता है। अच्छा लगता है दीदी और भैया आए घर पे, तो मेहमान आ जाते तो अच्छा ही लगता है। हम लोगों की क्या दूर है, कोई आना जाना होता नहीं है। अब जाके पता नहीं क्या कर रहा है अभी अंशु। अभी पापड़ के चल ही रहे हैं इनके। खूब मोबाइल देखा ना आज? नहीं जब गया कोने पे, सो गया कोने पे लेके, और ब्लूटूथ कानों पर लगा के खूब देर मोबाइल चलाया, क्योंकि इतनी देर मैंने मना नहीं करा। और डैडी तो आगे रूम में बैठे थे। चल काम कर दे मेरे साथ, काम कर ले मेरे साथ थोड़ा। मैंने मेरा कर लिया। नहीं हमारा भी करवा।
बिस्तर बिस्तर झाड़ लो तुम्हें, मैं बर्तन धुल लेती। बाकी ये ब्लॉग को यहीं तक ही रखते हैं। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।